एमपी की सियासत में घमासान अभी जारी है। वहीं लापता कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग की माता शीला कौर ने आज मीडिया के सामने कई राज खोले। शीला कौर ने कहा कि उनकी उपेक्षा की जा रही थी। हमने जब से इस्तीफे की सुना है चिंतित हैं, सोच रहे हैं इतना बड़ा निर्णय निश्चित तौर पर उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर लिया होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी। शीला कौर ने यहाँ भी कहा कि वे घर से रोजाना चरण छूकर निकलते थे। जब हम उनसे पूछते थे मंत्री कब बनोगे तो कहते थे ईश्वर सब अच्छा करेगा, ईश्वर पर भरोसा करो। शीला कौर ने कमलनाथ जी को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ जी कार्यकर्ता और उनकी पीड़ा सुनो, चुनावी क्षेत्र के लोगों की पीड़ा सुनो। जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके चुनाव लड़ाया जिताया उनकी सुनो, लेकिन पार्टी एक नहीं सुन रही। क्या हुआ हार्दिक, आप कैसे बोला कि नहीं कोई बात नहीं हुई, रुको अभी जो होगा अच्छा होगा, बस वो ये कह देते जो होगा अच्छा होगा। मैं कब अच्छा होगा, हम तो उम्मीद करते हैं भाई तुम आओगे कुछ कम्प्लीट होगी। आप लोगों को क्या उम्मीद थी मंत्री बने क्या है? हमें तो उम्मीद थी कि भाई इतना मुश्किल से जो विधानसभा में एक आदमी है इज्जत रखी कांग्रेस की, मतलब इतना संघर्ष करा उस लड़के ने जो मैं कहती हूँ धन्य वो, एक बजरंग बली की कृपा होगी उसके ऊपर जो वो इतना संघर्ष कर रहा है मंत्री जो हमें भी गर्व देखे। हमारा बच्चा इतना गर्व करता है ना, दिन ना रात ना कुछ नहीं देखता हो, कितने अभी बारिश में ये ओगले गिरे वो गिरे उसमें इतना करा, मतलब आके कोई बड़ा मंत्री कोई ना आया है ना किसी ने खबर ली उसकी, आज दिन तक कोई आया क्या उनकी खबर ली क्या किसी ने, किसी ने भी अपने दम पे ना जब चुनाव हुए ना कोई बड़ा आदमी आया ना किसी ने कुछ कहा कि भाई हम तेरे साथ हैं क्या तू कर, अपने दम पे ही मतलब चुनाव लड़ा है। ऐसा संघर्ष करने वाले बच्चे को आप आगे नहीं बढ़ाओगे? मुख्यमंत्री साहब को उनको उनकी पीड़ा जो है उसको ध्यान में रखे और जो भी वो मांग कर रहे उनको पूरी करना चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मंदसौर से ललित धाकड़ की रिपोर्ट।